Fiverr.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के खत्म होने के बाद 7 नवंबर की वोटिंग पर सभी की नजरें हैं। इसके बाद 10 नवंबर को बिहार चुनाव का रिजल्ट निकलेगा। बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव में नेताओं के बयानों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। कोरोना संकट में हो रहे चुनाव में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरुआती प्रचार हुए, इसके बाद मैदानी जंग शुरू हो गई। सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान विपक्षियों ने खूब जुबानी हमले भी किए। बिहार चुनाव में पीएम मोदी की रैलियां भी हुई। पीएम मोदी ने करीब करीब हर विधानसभा सीट के लिए रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने राजद के 15 साल के शासन का जिक्र करते हुए जंगल राज के युवराज टैगलाइन का भरपूर जिक्र किया। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को दोबारा जिताने की अपील भी की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो बिहार चुनाव को बिहार के भविष्य का चुनाव बता दिया। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने भी चुनाव में खूब रैलियां की। तेजस्वी यादव ने सभाओं में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। बाकायदा इस घोषणा को राजद के घोषणा पत्र में शामिल कर लिया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने ईवीएम को एमवीएम करार दे दिया। एमवीएम मतलब मोदी वोटिंग मशीन। चारा घोटाले के मामले में जेल में रहने के कारण लालू यादव बिहार चुनाव में प्रचार नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर बिहार सरकार को खूब घेरा। लालू यादव ने पीएम मोदी के बयान पर तंज कसते हुए बिहार की एनडीए सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार करार दिया। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव भी सभाओं में सरकार को घेरते रहे। हसनपुर से महागठबंधन के कैंडिडेट तेज प्रताप यादव के बयान जब श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो तो केतनो हेलीकॉप्टर कुछ नहीं बिगाड़ेगा ने खूब सुर्खियां बटोरी। बिहार चुनाव के पहले ही एनडीए से चिराग पासवान ने अलग होने की अपील की। इसके बावजूद चिराग पासवान का बयान सुर्खियां बटोरता रहा। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान करार दिया। बीजेपी नेता चिराग पासवान पर सवाल उठाते रहे और चिराग खुद को हनुमान कहते रहे। चुनावी बयानबाजी में प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी भी किसी से पीछे नहीं रही। अंतिम चरण के चुनाव के पहले ही पुष्पम प्रिया चौधरी ने ऐलान कर डाला कि सत्ता में आने पर बिहार में शराब की दुकानें खुल जाएगी। तीसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव वाले बयान ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। सीएम नीतीश ने कहा था कि जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और यह मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। हालांकि उनके बयान पर पार्टी की सफाई भी आ गई। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान ट्वीट की शक्ल में सामने आया। नीरज कुमार ने लिखा, एनडीए की आंधी में लालटेन बुझ गई तो चिराग की क्या बिसात। इस खबर में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।